Hey guys, this is Rajesh sir from Unspoken English Rana channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है. Guys, मेरा नाम राजेश सर है. आज का हमारा टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा. आज हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक एक चीज क्लियर करेंगे. आज हम एक एक कर्नर को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे. गाइज, यह नाउन सीरीज का छठवां वीडियो लेक्चर नंबर है. ध्यान से देखना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है. अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा होता है, यह बात आप पहले ही जान चुके हैं. व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन सब क्या समझते हैं? द वर्ड विच इज ओनली फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. द वर्ड विच इज ओनली फेल्ट बट नॉट सीन और टच्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. वह शब्द जिसे केवल अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, उसे देखा या स्पर्श नहीं किया जाता, उसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं. ध्यान देना है, जिस शब्द को केवल अनुभव किया जाता है उसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और ये जाहिर सी बात है, जिसको हम केवल फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम किसी भी कीमत पर न तो देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं. इसीलिए मैं डिफिनेशन में सीन और टच्ड का सेंस लिखा है. जिसे सिर्फ अनुभव किया जाता है, गिना या देखा या स्पर्श नहीं किया जाता, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे जरा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. फीवर. फीवर जो है नाउन है. नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि फीवर को केवल फील किया जाता है. फीवर का मतलब बुखार होता है. जब आपको फीवर होता है तो आपको फील होता है, नहीं मुझे बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है. आप अनुभव करते हैं, आपको फील होता है. फीवर जो है ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इसे फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है. आप फीवर को, बुखार को आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. लव. लव जो है नाउन है. नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसे केवल अनुभव किया जाता है, एहसास किया जाता है, इसे फील किया जाता है. एयर. एयर जो है नाउन है. नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसे केवल फील किया जाता है, इसे एहसास किया जाता है, अनुभव किया जाता है. जब आप फैन को ऑन करते हैं आपको फील होता है, नहीं एयर लग रहा है, हवा लग रहा है. आप केवल अनुभव कर सकते हैं. आप वायु को, हवा को देख नहीं सकते हैं, आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं. ये ध्यान दीजिएगा. स्लीप का मतलब नींद. स्लीप जो है यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है क्योंकि स्लीप को केवल फील किया जाता है. जब आपको स्लीप आती है, नींद आती है, तो आपको फील होता है, अनुभव होता है, नहीं मुझे नींद आ रही है, आपको फील होता है. स्लीप को केवल फील किया जाता है, इसलिए यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है. इसी प्रकार गुडनेस, अच्छाई, बैडनेस, बुराई, इलनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गरीबी, रिचनेस, अमीरी, फ्रेंडशिप, दोस्ती, एनिमिटी, दुश्मनी, हार्डनेस, कठोरता, सॉफ्टनेस, कोमलता, ग्रेटनेस, महानता, स्ट्रॉन्गनेस, मजबूती, वीकनेस, कमजोरी, काइंडनेस, दयालुता, फुलिशनेस, मूर्खता, व्हाइटनेस, सफेदी, डार्कनेस, अंधेरापन, ब्राइटनेस, चमक, स्वीटनेस, मधुरता, सिकनेस, बीमारी, विजडम, बुद्धि, फ्रीडम, आजादी, स्लेवरी, गुलामी, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, लड़कपन, हेल्थ, स्वास्थ्य, ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ब्यूटी, सौंदर्य, हैटेड, घृणा, लाइफ, जीवन, डेथ, मृत्यु, लाफ्टर, हंसी, जॉय, हर्ष, आनंद, सौरव, दुख, नॉलेज, ज्ञान या जानकारी, फियर, डर, यूथ, जवानी, ये सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इन सब को सिर्फ अनुभव किया जाता है, एहसास किया जाता है, फील किया जाता है. ये ध्यान देना है कि जिस शब्द को केवल हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. मैं ये भी बता चुका हूं कि जिसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम किसी भी कीमत पर ना तो स्पर्श कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं. जिसे सिर्फ अनुभव किया जाता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं. गाइस, मैंने एक नोट लिखा है, आर्ट्स एवं साइंस के विषयों के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं. यानी आर्ट्स एवं साइंस के जो विषय होते हैं ना, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं.
जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? एक आर्ट्स के विषय का नाम है जिसका मतलब इतिहास होता है। हिस्ट्री क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ध्यान दीजिएगा। जियोग्राफी भूगोल एक आर्ट्स का ये सब्जेक्ट है, विषय है। आर्ट्स एवं साइंस के विषयों के नामों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जियोग्राफी भूगोल ये क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यह एक आर्ट्स के विषय का नाम है। स्विक्स नागरिक शास्त्र यह नाउन है, नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि यह एक आर्ट्स के सब्जेक्ट का नाम है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि यह एक आर्ट्स के सब्जेक्ट का नाम है। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, बायोलॉजी जीव विज्ञान, मैथ गणित इंग्लिश, साइकोलॉजी ग्रामर पॉलिटिकल साइंस, ये सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट्स एवं साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय है, वे सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अंतर्गत आते हैं। जरा सेंटेंसेस के माध्यम से हम चुनते हैं कौन सा इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इनको पिकआउट करने का। आई यूज टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेला करता था। इनमें नाउन क्या है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड नाउन है। नाउन तो यहां पर क्रिकेट भी है, फ्रेंड्स भी है, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें इनसे मतलब है क्योंकि ये हमारे काम का है। चाइल्डहुड क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि जो बचपन होता है उसको केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीता है रियल ब्यूटी। सीता के पास रियल सौंदर्य था, सचमुच की सुंदरता थी। इसमें नाउन क्या है? ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि सौंदर्य को सुंदरता को केवल फील किया जा सकता है, देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। ब्यूटी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसे अनुभव किया जाता है। मोहन हैज लिटिल ऑनेस्टी। मोहन के बराबर नहीं के मोहन के पास नहीं के बराबर ईमानदारी है। यहां पर ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी नाउन है, नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि ईमानदारी केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको देख या स्पर्श नहीं कर सकते। भगत सिंह हैड ब्रेवरी। ब्रेवरी क्या है? नाउन है। नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि बहादुरी को हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। भगत सिंह के पास बहादुरी थी, ब्रेवरी थी। ब्रेवरी नाउन है, नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि बहादुरी को फील किया जाता है। देयर इज नो स्वीटनेस इन योर टंग। तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है। यहां पर स्वीटनेस क्या है? नाउन है। नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मधुरता को मिठास को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, इसको देख नहीं सकते, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, और तभी तो इन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। He has no humanity. Humanity क्या है? नाउन है। नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि मानवता इंसानियत को हम केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसलिए यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यानी गणित एक कठिन विषय है। यहां पर जो मैथमेटिक्स है नाउन है, नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि मैथमेटिक्स एक आर्ट्स के सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी हैज लिटिल फीवर। शी हैज अ लिटिल फीवर, उसके पास थोड़ा सा बुखार है, उसे थोड़ा सा बुखार है। यहां पर जो फीवर है यह नाउन है, नाउन में यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है,
गाइज मुझे उम्मीद है आपको अब स्टैक नाउन क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि भारत के हर बच्चे बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।